पुणे महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह शहर अपने विश्व प्रसिद्ध आईटी पार्क्स और एजुकेशन सिस्टम की वजह से जाना जाता है। पुणे महाराष्ट्र का पहला ऐसा शहर भी है जहां पर सबसे ज्यादा शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं। यही कारण है कि इस शहर को पूरब का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। 2021 में हुए स्वच्छता अभियान के सर्वे के मुताबिक पुणे भारत का छठा सबसे साफ सुथरा शहर भी है। इसके अलावा 2018 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र का पुणे भारत का पहला रहने के लिए सबसे अच्छा शहर भी है। देश में चेन्नई के बाद महाराष्ट्र के पुणे में ही सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां मौजूद हैं। इसी वजह से इस शहर को भारत का डेट्रॉइट भी बोला जाता है। पुणे भारत का पहला ऐसा शहर भी है जहां पर सन 1848 में भारत का पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया था। लगभग 516 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए पुणे शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 31 लाख से ऊपर थी। जनसंख्या के दृष्टिकोण से पुणे महाराष्ट्र का दूसरा और भारत का 9वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से पुणे शहर में 80% हिंदू, 11% मुस्लिम, 4% बुद्धिस्ट व 5% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। पुणे शहर की साक्षरता दर 79% है। साक्षरता के दृष्टिकोण से पुणे मुंबई और नागपुर के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाला शहर भी है। कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों ने भी पुणे शहर की संस्कृति और यहाँ के रहन सहन को पूरी तरह से कैद किया है, जिनमें बदलापुर, अजब प्रेम की गजब कहानी, बॉडीगार्ड, बाजीराव मस्तानी, तुम्बाड़, मुन्ना भाई MBBS, इंग्लिश विंग्लिश, हलचल, न तुम जानो न हम जैसी कई बॉलीवुड की धमाकेदार फिल्में शामिल हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता है। शहर के अंदर लगभग 811 शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं, जो भारत के किसी अन्य शहर की तुलना में काफी ज्यादा हैं। यहाँ का पुणे विश्वविद्यालय भारत का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी है। इसके अलावा यहाँ का भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय, फ्लेम यूनिवर्सिटी, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स, नेशनल डिफेंस अकेडमी, IIIT पुणे आदि यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। देश में चेन्नई के बाद महाराष्ट्र के पुणे में ही सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां मौजूद हैं, जिनमें टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फॉक्स वैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया कावासाकी, मर्सिडीज प्राइवेट लिमिटेड आदि कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान से आए हुए प्रवासी लोगों को भारी मात्रा में रोजगार प्रदान करती है। आवागमन के दृष्टिकोण से पुणे शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, पुणे शहर में कुल 7 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। पुणे जंक्शन, शिवाजी नगर, घोरपुरी, हडपसर, खड़की, कसड़वारी और चिंचवर रेलवे स्टेशन, जिसमें से पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 6 है और 8 रेलवे ट्रैक मौजूद है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाद पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। पुणे हावड़ा स्पेशल, भागलपुर सूरत एक्सप्रेस, पटना पुणे वीकली स्पेशल और गोवा एक्सप्रेस जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियां पुणे जंक्शन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग, पुणे शहर में कुल 3 बस स्टेशन मौजूद हैं, शिवाजी नगर, स्वरगेट और पुणे जंक्शन बस स्टेशन, जिसमें से पुणे जंक्शन बस स्टेशन शहर का मुख्य बस अड्डा है। 2018 में हुए एक सर्वे के मुताबिक पुणे बस स्टेशन महाराष्ट्र के सबसे स्वच्छ और व्यस्त बस अड्डों में से एक है। पुणे शहर का ये बस अड्डा अपने सड़क मार्ग के जरिए मुंबई, कोल्हापुर, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, शोलापुर जैसे कई महाराष्ट्र के शहरों से जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग, पुणे शहर के लोहेगांव इलाके में मौजूद है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लगभग 2400 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ पुणे का यह एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट के बाद महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है। पुणे शहर का यह हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, बेंगलोर जैसे कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। पुणे शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी पुणे शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना पुणे शहर का भ्रमण अधूरा है। शनिवार वाड़ा, पुणे शहर के बीचों बीच मौजूद है ऐतिहासिक महल शनिवार वाड़ा। इसका निर्माण आज से लगभग 290 साल पहले सन 1732 में मराठाओं के द्वारा करवाया गया था।
किले के अंदर कई सारे भव्य दरवाजे भी मौजूद हैं, जिनमें दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, गणेश दरवाजा और नारायण दरवाजा आदि प्रमुख हैं। 2015 में आई बॉलीवुड की फिल्म बाजीराव मस्तानी का चित्रांकन भी इसी महल में हुआ था। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस महल में आज भी राजा नारायण राव पेशवा की आत्मा महल के अंदर भटका करती है। आगा खान पैलेस। पुणे शहर की सम्राट अशोक रोड पर मौजूद है ऐतिहासिक आगा खान का पैलेस। लगभग 19 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैले हुए इस पैलेस का निर्माण सन 1892 में मोहम्मद शाह आगा के द्वारा करवाया गया था। सन 1942 से 1944 के दौरान इसी पैलेस में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बंदी बनाकर रखा गया था। पैलेस की खूबसूरती देखते ही बनती है। पर्यटक यहाँ आकर बीते हुए इतिहास को वर्तमान में जानने की कोशिश करते हैं। राजीव गांधी चिड़ियाघर। पुणे शहर के कटराज इलाके में मौजूद है राजीव गांधी चिड़ियाघर। लगभग 130 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैले हुए इस चिड़ियाघर का निर्माण आज से लगभग 23 साल पहले सन 1999 में हुआ था। चिड़ियाघर के अंदर कटराज नामक एक झील भी मौजूद है, जो लगभग 42 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली हुई है। जंगली चीता, नीलगाय, बारहसिंघा, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, हाथी, विभिन्न प्रजाति के सांप आदि कई अन्य जानवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन। पुणे शहर के दत्तावादी इलाके में मौजूद ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन भारत का पहला सबसे बड़ा जापानीज गार्डन है। लगभग 10 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैले हुए इस गार्डन में विभिन्न तालाब, मानव निर्मित नकली पहाड़ व हरे भरे कई सारे बगीचे मौजूद हैं, जो यहाँ पर आने वाले सैलानियों को थोड़ी देर के लिए शांति का अनुभव कराते हैं। 2011 में आई बॉलीवुड की फिल्म बॉडीगार्ड का चित्रांकन भी इसी गार्डन में हुआ था। इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा पुणे शहर में कई सारे और भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें एक वीडियो में संरक्षित करना असंभव है, जिनमें ओशो आश्रम, कटराज स्नेक पार्क, दगदू सेठ हलवाई गणपति मंदिर, पान सेठ वाटर पार्क, पार्वती हिल मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएंगे।